इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर थानगांव इलाके से मिल रही है। आपको बता दें कि लकड़ी लाद कर जा रहे ट्रक की अचानक स्टीयरिंग फेल होने का कारण हादसा हो गया है, जिसमें ट्रक क्लीनर की मौत होने का मामला सामने आ रहा है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आइंडिया के थानगांव संवाददाता अरुण सिंह। तो अरुण बताएं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी फरमान जी, आपको बता दें कि जो मामला है, घटना जो है थाना थानगांव अंतर्गत घटित हुई है। बीती रात करीब 4 बजे का समय बताया जा रहा है। ये त्रेउसा से महमूदाबाद मार्ग पर चिरैया ठेकी के पास एक चौराहा पड़ता है, जहां पर एक सुल्तानपुर जिले से लकड़ी लादकर एक ट्रक जो है तंबौर जा रहा था। अचानक तेज जो ट्रक थी उसकी अचानक स्टीयरिंग फेल हो जाती है, जिस कारण वह सड़क के किनारे लगे बड़े पेड़ से टकराकर पलट जाता है। जो टक्कर इतनी जोरदार थी कि पेड़ भी मतलब पूरा धराशायी हो गया है और ट्रक के भी परखच्चे उड़ गए हैं। इस घटना में जो ट्रक सवार थे, ड्राइवर और क्लीनर, इनको चोटें आईं। इनको आनन फानन 112 जो PRP है CHC रेउसा लेकर इनको पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जो ट्रक क्लीनर है साबिर उर्फ फरियाद, ये पुत्र है मोहम्मद इदरीस, उम्र करीब इनकी 24 वर्ष है, जो सरैया घोसी सिंघनपुरवा जिला सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, इनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि जो ड्राइवर है दुर्गा प्रसाद यादव पुत्र मुन्नू निवासी राम शाहपुरवा जिला सुल्तानपुर घायल है, जिनका CHC रेउसा में इलाज चल रहा है। थानगांव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि घटना जो दुर्घटना इतनी टक्कर तेज हुई है कि जो पेड़ भी जो है धराशायी हो गया है और पुलिस मौके मौजूद है, सबको PM के लिए भेजा गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि बीती रात रेवसा महमूदाबाद मार्ग पर सुल्तानपुर से लकड़ी लादकर तंबौर जा रहे ट्रक की अचानक स्टीयरिंग फेल हो जाती है, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर साइड में लगे पेड़ से टकरा जाता है, जिसमें ट्रक ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घायलों को जब CHC रेवसा पहुंचाया गया तो वहां डॉक्टरों ने क्लीनर जो कि 24 साल के बताए जा रहे हैं साबिर और फरियाद को मृत घोषित कर देते हैं। वहीं थानगांव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अरुण।